जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। इसी क्रम में निवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रही मीरा दीपक यादव भी जनता के बीच विकास के मुद्दे को लेकर पहुंच रही हैं। जिला निवाड़ी से समाजवादी प्रत्याशी मीरा दीपक यादव ग्राम उबोरा पहुंची और उन्होंने यहाँ घर घर पहुंचकर जनता का आशीर्वाद लिया। ग्रामवासियों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा समर्थक भी काफी संख्या में उनके साथ रहे। प्रत्याशी प्रतिनिधि दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो निवाड़ी विधानसभा में चौमुखी विकास की गंगा बहेगी। यहाँ हम औरों की सरकार की तरह ढिंढोरा नहीं पीटते, जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी एवं किसानों की हालत खराब हुई है। इस दौरान कई ग्रामों में दीप नारायण सिंह ने जनसंपर्क कर लोगों की समस्याएं सुनी और जनता को उनकी समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार में कोई काम नहीं किया गया, वह केवल जनता से झूठे वादे करते रहे। जनसंपर्क में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में पहुंचकर जनसंपर्क किया। न्यूज़ बीके के लिए निवाड़ी के तरीचर से सद्दाम खान की रिपोर्ट।